सत श्री अकाल दोस्तों। दोस्तों आज हम बात करेंगे तबले के एक ऐसे बोल की जिसके बिना ऐसे लगता है कि तबला बजाना अधूरा है अगर वो बोल आपने नहीं प्यार किया तो वो बोल है धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती धागे धिन्ना घिन्ना। दोस्तों ये बोल आपने सुना होगा कि कोई भी आप कायदा बजाते हैं, बहुत सारे कायदे ऐसे होते हैं, लगभग सभी कायदे ऐसे होते हैं जिसमें धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती धागे धिन्ना घिन्ना आएगा ही आएगा। कुछ कायदे ऐसे होते हैं जिसमें धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती धागे धिन्ना घिन्ना नहीं होता, तो लगभग हमें सभी कैदों में ये बजाना ही होता है। तो इसको तैयार करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, इसकी क्या एक्सरसाइज होनी चाहिए जो कि हम कोई भी कायदा बजाएं उसमें ये बोल आए तो ये बोल आपका क्लियर ही बजे और साफ ही बजे। तो हम क्या करेंगे, पहले तो इसे हम सिंपल लेंगे, धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती धागे धिन्ना गिन्ना। तो दोस्तों हम क्या करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कैसे करेंगे आइए देखते हैं। पहले तो ढी जो है बिल्कुल स्याही के सेंटर में आप रियाज करेंगे तो फिर जब आप तैयारी पे बजाएंगे तो उसका जो वेट है वही आएगा जो आप रियाज में कर रहे हैं। अगर आप रियाज करते समय ही ती जो पीछे बजाएंगे तो फिर जब आप तैयारी में बजाएंगे तो ती बहुत पीछे चली जाएगी और फीकी रह जाएगी। इसीलिए जब रियाज करना है धाती धागे तिन्ना किन्ना का तो ती जो है बिल्कुल मिडल में बजानी है। जब तिन्ना बजाएंगे तो तिन्ना भी हम स्याही पे तिन्ना बिल्कुल सेंटर से भी आगे जाकर रियाज करेंगे। तिन्ना, तिन्ना, आगे इसमें थोड़ी थोड़ी मैं एक चेंज लाऊंगा वो आप नोट कीजिए, उसके बाद मैं आपको वही बताऊंगा कि मैंने उसमें किया क्या है। किया था वो मैं आपको अब बता रहा हूं। पहले मैंने बजाया तो जो मैंने इसमें नेक्स्ट जो मैंने इसमें चेंज किया था वो क्या किया, मैंने ये किया कि जो दूसरे नंबर पे बोल आ रहा है धागे उसको आगे कर दिया, उससे शुरू मान के उसको सम मान कर पीछे सारा धाती धागे धिन्ना गिना
उससे धागे धिन्ना किन्ना दाती, उसको आगे करके मैंने बनाया धागे धिन्ना है ना दाती, धागे तिन्ना किन्ना दाती। एक तो ये अलग लगी हो गई, एक धाती धागे तिन्ना किन्ना की प्रैक्टिस करने के लिए अलग से एक्सरसाइज हो गई और एक उसका दूसरा रूप हो गया ये। धा बजाएंगे मिडिल फिंगर से और गे बजाएंगे फर्स्ट फिंगर से। जब तिन्ना किन्ना बजाएंगे और तिन्ना के साथ के पूरी बजाएंगे धागे तिन्ना धागे तिन्ना तिन्ना धागे, तो ये उसका दूसरा रूप था। और थर्ड नंबर पे मैंने क्या किया था, वही जो तीसरे नंबर पे बोल आ रहा है उसको उठाकर फर्स्ट में कर दिया, तो बाकी बोल सब पीछे हो गया। कैसे, आपके पास एक अलग से लगी हो गई, एक एक्सरसाइज हो गई और एक दाती दागे तिन्ना किन्ना का एक रूप हो गया। लास्ट में मैंने एक तिहाई बजाई थी, वो है आप धाती धागे तिन्ना किन्ना तीन बार बजाकर तो बराबर की लय में ना धिन धिन ना बजाएंगे, तो उसमें कोई भी दम नहीं देना है, तो उसकी तिहाई बनेगी कैसे, धाती धागे तिन्ना किन्ना एक बार आप सुन लीजिए कि ये कंटिन्यू कैसे बजेगा। एक प्रकार जो मैंने अब लास्ट में बजाया है वो है गिन्ना दाती भागे तिन्ना किन्ना दाती भागे तिन गिन्ना दाती भागे तिन गिन्ना दाती भागे तिन्ना किन्ना दाती भागे तिन गिन्ना दाती भागे तिन किन्ना दाती भागे तिन गिन्ना दाती भागे तिन किन्ना दाती भागे तिन। इसमें हम गिन्ना को आगे रख रहे हैं, धाती धागे तिन्ना किन्ना ताती धागे तिन्ना किन्ना का रियाज कर सकते हैं। ये बोल बहुत जरूरी है तबले में, क्योंकि ये
बोल आपका क्लियर हो गया तो समझो आधा काम हो गया आपको तैयारी करने के, जो बोल क्लियर करने हैं, क्योंकि सभी कैदे में लगभग आधे से ज्यादा बोल धाती धागे धिन्ना गिन्ना ताती धागे धिन्ना गिन्ना जैसे बोल होते हैं। अगर आप ये तैयार कर लेंगे तो आप लगभग सभी कैदे तैयार करने में आपको मुश्किल नहीं आएगी। तो ये तैयार करना बहुत जरूरी है, आप इसे तैयार कीजिए, इसका रियाज कीजिए, धीरे रियाज कीजिए और इसको समझ के रियाज कीजिए और इसे बजाइए। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।